नमस्कार दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गोलेछा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ जब मैं सुबह घर से निकल रही थी स्टूडियो आने के लिए तब मुझे हर जगह यही सुनाई दे रहा था कि अपने बैंक का पासवर्ड ओ किसी को मत बताइए यानी डेटा सिक्योरिटी जब सरकार हमें बताती है कि कोविड के नॉर्म्स फॉलो करिए मास्क पहनिए सतर्क रहिए सुरक्षित रहिए ये हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की आजकल का बस वर्ड हो गया है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा हम कहीं भी जाए चाहे वो सर्दी खांसी हो चाहे वो हमारी हेल्थ हो चाहे वो हमारी बैंक की डिटेल्स हो सिक्योरिटी आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसी ही एक एजेंसी जो हमारी यात्रा को हमारी डे टू डे जो मूवमेंट है उसे सिक्योर बनाने के लिए दिन रात लगी हुई है ना हमें इस चीज़ का एहसास होता है ना हमें जताती है बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही सीनियर ऑफिशल प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है रेलवेज़ के वो आज हमसे बात करने जा रहे हैं अबाउट द सिक्योरिटी जो हमें रेलवेज एज अ फोर्स प्रोवाइड करती है हज़ारों लाखों करोड़ों लोग रेलवेज की इस सर्विस को जो यूज़ करते हैं हम हमारी सिक्योरिटी को कितना ग्रांटेड लेते हैं कितना हमारी एजेंसीज़ तहे दिल से जुटी हुई है हमारी इस यात्रा को सिक्योर बनाने के लिए आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं राजा राम जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ से हैं और बहुत ही सीनियर पोस्ट पे हैं प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के ये रेसिपिएंट रहे हैं आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया राजा राम जी आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आए जी जैसे कि मैं ये बता रही थी कि लाखों करोड़ों लोग जो रेलवेज की सर्विस को यूज़ करते हैं हमारी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेन के अंदर बैठ के जो इंटरस्टेट मूवमेंट भी होता है हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि, कि किस तरह का वॉल्यूम आप हैंडल करते हैं गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन पूरे इंडिया में किस तरह का वॉल्यूम मैग्नीट्यूड बताइए प्रॉब्लम का जी मैडम आपको 2022 के आंकड़े में बताऊं जी कि लगभग रेलवे ने 1200 मिलियन टन का सामान एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाया और तकरीबन 800 करोड़ पैसेंजर्स को देश में मूव कराया जो कि आप समझ सकते हैं कि कई देशों की पॉपुलेशन से कई गुना कही ज्यादा है सही में इतनी लार्ज जो पॉपुलेशन है जिसकी गुड्स की मूवमेंट है पैसेंजर्स की जो मूवमेंट है ये सिक्योरिटी मतलब कहना नहीं चाहिए बट सिक्योरिटी नाइटमेयर है ये कहीं भी देश के कोने में कुछ भी हो सकता है जितनी जागरूकता जितनी अलर्टनेस आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी करती है आ, उससे हमें जागरूक कराइए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितनी एजेंसीज इस इस कार्य में जुटी हुई हैं मुख्यतः रेलवे की सुरक्षा में दो एजेंसीज काम करती हैं एक केंद्र सरकार की एजेंसी है जिसका नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है जी और राज्य पुलिस की जो इकाइयाँ हैं वो जी के नाम से जानी जाती हैं जिनको हम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कहते हैं जी ये दिन रात पैसेंजर्स और गुड्स के सिक्योरिटी में अपना योगदान देती रहती हैं इनके एक्ट अलग हैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं लेकिन कई जगह ये एक साथ मिलकर के समन में बना कर के जितने प्रकार के अपराध हैं उन पर अपना पूरा योगदान देती हैं रेलवे सुरक्षा बल मुख्यतः जो रेलवे की अपनी संपत्तियां हैं और जो सामान रेलवे को हमारे देश की जनता एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए देती है जी। उनकी सुरक्षा करती थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वॉल्यूम पैसेंजर्स का बढ़ता गया और चैलेंजेस सिक्योरिटी के बढ़ते गए तो आरपीएफ को पैसेंजर क्षेत्र में भी काम करने के लिए 2003 से भारत की संसद ने रेलवे एक्ट में अमेंडमेंट करके निर्देशित किया अच्छा तो जो हमारे पैसेंजर्स की लाइफ और प्रॉपर्टी का जो सुरक्षा है वो मुख्यतः इंडियन पेनल कोर्ट के अंदर हमारे देश की पुलिस जीआरपी के माध्यम से करती है जी। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन काम करती है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पुलिसिंग है रेलवे में वो हर राज्य की जिम्मेवारी बन जाती है जी जिसमें जीआरपी के माध्यम से इंडियन पेनल कोड के जो ऑफेंसेस हैं उनको डील किया जाता है अब जो पैसेंजर हमारा है उसके विरुद्ध अगर कोई हत्या डकैती या आ, इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं साथ में आईपीसी के जो दूसरे ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि उनके सामानों की चोरी जी। या विमेन के साथ कोई छेड़खानी होती है जी। या इस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोई जो समस्या होती है तो ये जितने आ, पैसेंजर के लाइफ और प्रॉपर्टी संबंधित अपराध हैं वो जी का दायित्व देखने का ओके okay. लेकिन अब इस काम में आर ने बहुत सारी पहले की हैं डिकेट से आर का आदर्श वाक्य रहा है यशोलभस uh -huh. 2022 में हमारे टॉप मैनेजमेंट हमारे डी जी श्री संजय चंद्र ने इस फोर्स को सेवा ही संकल्प का एक आदर्श वाक्य दिया है सेवा ही संकल्प जी तो इस इससे फोर्स को एक नई दिशा मिली हुई है जी जिसमें फोर्स हर प्रकार की एजेंसीज के साथ मिलकर के जो रेलवे में दूसरे प्रकार के चैलेंज ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चैलेंज है या हमारे नारकोटिक्स का मूवमेंट है जी जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है इसके साथ गोल्ड की तस्करी होती है बहुत सारे हवाला की आ, तस, मतलब कैश की तस्करी होती है जी। बच्चों और महिलाओं के बहुत सारे तस्करी के समस्याएं हैं तो इन सब चीज़ों पर आरपीएफ सारे एजेंसीज़ जो हमारे देश की एजेंसीज़ हैं जैसे आ, अगर हम वाइल्ड लाइफ की तस्करी की बात लें तो आ, पुलिस के साथ साथ जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर के जो पैनल पैनल कोर्ट संबंधी कार्य होते हैं अपराध होते हैं उनको पकड़ने और उन पर कार्य करने का, का काम मिला है एन डी एक्ट जो 84 में पारित किया गया था उसमें जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती थी अभी Uh, कुछ वर्ष पहले आर को ये अधिकार दिया गया कि रेलवे में अगर ऐसे नशीले पदार्थ अगर वो चिन्हित कर पाती है तो उनको सीज करे और उनको पुलिस के हवाले करे अच्छा तो इस तरीके से हमारे जो पैसेंजर के प्रति जो हमारे कार्य हैं उनकी सुरक्षा के संबंधित उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई है जो इतनी एजेंसीज के बारे में बात कर रहे थे जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आप भी एक वरिष्ठ ऑफिसर हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के सो so, ये हमें आम जनता को पता नहीं है कि जीआरपी क्या होता है आरपीएफ क्या होता है हमारे लिए तो जनता के लिए ये पुलिस है और हम चाहते हैं कि रेलवेज में अगर कोई घटना या दुर्घटना हमारे साथ घटे तो हम पुलिस के पास जाएँ तो ये हमारी जनता को समझाइए कि देर इज़ अ डिफरेंस मतलब आर पी एफ में फ़र्क है जी आर पी में फ़र्क है पुलिस में फ़र्क है क्योंकि आ, ये मेरी ऑडियंस के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमारी जो सरकार की एक्टिविटीज़ है वो तीन लिस्ट में डिवाइडेड है स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट जो रेलवेज है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में आती है तो ये एक डिसकनेक्ट है कि हम जूरिस्डिक्शन में कोई इशू अगर हो जाता है इंटर स्टेट मूवमेंट होती है ट्रेन्स की तो हम कहाँ जाएँ तो ये हमारी जनता को समझाइए कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम किसके पास जाएं और कौन हमारी कौन सी एजेंसी हमारी किस मामले में सहायता कर सकता है देखिए एक चीज़ हमें समझनी है कि जो रेलवे का सिस्टम है वो एक स्टेट काम करता है जी तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक यात्री दिल्ली से चला हैदराबाद के लिए जी. तो वो पाँच छः स्टेट से उसकी ट्रेन गुजरती है जी अब मान लीजिए उसका सामान चोरी हो जाता है मतलब उसको पता चलता है कि मेरा सामान चोरी हो गया अब उसके साथ समस्या खड़ी हो जाती है कि अब वो किसको बताए जी तो रेलवे ने एक पहल चालू की है कि आप को ये सूचना जो कोच में टीटी है उससे आप एफ फॉर्म लेके दे सकते हैं आरपीएफ का ट्रेन स्कॉट है उसको दे सकते हैं ओके। और अब ये जो टेक्नोलॉजी का इतना सारा हमारे जीवन जी। में प्रवेश हो गया है तो एक रेल मदद नाम की एक ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा। और उसमें आप अपनी पूरी बात लिख सकते हैं कि आपके साथ क्या घटना हुई है जी इसके अलावा हमारी रेलवे की हेल्पलाइन है 139 वो 24 फोर इंटू काम करती है उसको अच्छा। आप आ, मतलब डायल करके अपने जो भी आपके साथ घटना हुई है उसको बता सकते हैं आज के डेट में जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं वो हमारे देश के नागरिक को जी। ठीक से समझना है क्योंकि अपराध में एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है टाइमिंग का अगर आप सूचना जल्दी से जल्दी देंगे तो अपराध के डिटेक्शन की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अब भले ही ये जीआरपी का काम है कि वो बाद में सूचना आरपीएफ से मिले टीटी -टी से मिले जहाँ से भी मिले उसमें केस दर्ज करके वो अपराधियों को खोजे लेकिन ये एक पूरा सिस्टम अब वेल लॉयल सिस्टम इन प्लेस है जिसमें कि हमारे नागरिकों को बहुत फ़ायदा हो रहा है बहुत सारे अपराधों का डिटेक्शन आरपीएफ सीधे सीधे कर रही है जी। जिसमें अगर आप साउथ सेंट्रल की बात करें तो हमने पाँच करोड़ से ऊपर चोरी के सामानों को बरामद करके जीआरपी को हैंडओवर किया है तो कहने का मतलब क्या है कि हमको जो भी चीज़ कहनी है जल्दी कहनी है जी और हमारे पास हर प्रकार के फास्ट कम्युनिकेशन के सिस्टम उपलब्ध हैं जी बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में जैसे जो यूथ है वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अपना बढ़ावा दिखाता है इजी टू तो अंडरस्टैंड एंड इजी टू तो ट्रैक भी है तो ऑडियंस के लिए जो अभी राजा राम जी ने बताया वो है कि 139 जो है वो हेल्पलाइन नंबर है अगर आप रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हैं कोई आपको इंसिडेंट दिखता है या आपके साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो 139 पे कॉल करिए 24 फोर बाई सेवन ये हेल्पलाइन अवेलेबल है आ, और रेल मदद करके जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें अप, अपना ग्रीवियंस भी आप शेयर कर सकते हैं ये हमने ये भी देखा है कि आजकल ट्विटर पे भी जो हमारे रेल मंत्री हैं yes, जो ऑफिशियल्स yes. हैं वो काफ़ी ट्विटर है। हैंडल भी बहुत एक्टिव है जी, जी। बहुत ही एक्टिव है और साउथ सेंट्रल रेलवे में हम लोगों ने 2022 में 9000 से ऊपर रेल मदद से सूचनाएं प्राप्त करी अच्छा जिसमें हम लोगों ने उनको सात मिनट के अंदर एवरेज टाइम में लोगों को पूरी तरह समझाया कि आपका जो समस्या है वो कैसे हैंडल होगा आप बिल्कुल परेशान मत होंगे तो ये जो पहले एक टाइम गैप होता था पैसेंजर जब अगले स्टेशन का इंतजार करता था कि मैं पहुंचूंगा तो मैं किसी एजेंसी को खोजूंगा फिर अपनी बात कहूंगा, जी। अब ये भारत सरकार के इनिशिएटिव से जो रेल मदद का ऐप है जी। उसको सेवन मिनट्स में अनबिलेबल तरीके से सहायता पहुंच रही है कि आपको पता चल आपको पता चल जाता है कि मेरी बात सरकार में पहुँच गई और सरकारी एजेंसीज तुरंत सक्रिय हो गई जी और इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे मामलों में अगले स्टेशन पर आपको एफ फॉर्म लेकर के आर की टीम जी की टीम खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है आपकी पूरी डिटेल्स लेती है जी। फिर अपराधियों के पीछे पड़ जाती है तो आर पी के की जो कॉन्स्टेबल्स होते हैं ये ट्रेन में भी यात्रा करते हैं यात्रियों के साथ तो जी हाँ जी वो हाँ। भी आ, एक आई बहुत ही क्विकर uh, सोल्यूशन है कि अगर कोई इशू है तो आप वहीं पे उन्हें कांटेक्ट करके इमीडिएटली उनकी इशू को एड्रेस कर सकते हैं जैसे कोई ईव टीजिंग का मामला हो गया हाँ। जिसमें हमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है सो so, uh, एक बात बताइए ये जो आप बता रहे थे कि चोरी तो यस सबसे शायद बड़ा इशू होगा ट्रेनस में और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी सिक्योरिटी एजेंसी डील करती है जैसे आप तस्करी के बारे में बता रहे थे पूछ रही हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस ये भी जाने कि जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो किस तरह की इशू उनके सामने आ सकती है और वो इस चीज़ को लेके जागरूक रहें कि वॉट टू वॉच आउट फॉर देखिए एक बात जो हम सभी लोगों को समझनी है इस देश के नागरिक के तौर पर जी कि आ, हमें देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी देनी है बिल्कुल तो जब हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हों या देश के किसी भी जगह पर खड़े हों हम इस बात से अपने माइंड को अलर्ट करें कि हमारे आसपास का वातावरण कितना सुरक्षित है बिल्कुल तो इसमें जैसे ट्रेन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महिलाओं बच्चों की तस्करी हो रही है खासकर के बच्चियों की तस्करी हो रही है अभी दो तीन दिन पहले हम लोगों ने समझिए पैंतीस छोटे बच्चों को और सत्ताईस छोटी लड़कियों को यानी गर्ल्स को तस्करों से छुड़ाया My उसमें God. दो तस्करों को हमने गिरफ्तार भी किया तो ये जो लोग ट्रेन में चलते हैं ये यात्रियों को दिखते हैं जी तो अगर यात्री इनकी सूचना हमारे रेल मदद के ऐप पर दे दे या 139 पर दे दे तो इससे ये जो तस्करी है इसको लगाम लगेगी इसी तरह जो गांजा लेके जाते हैं उनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है गांजे की अच्छा। अगर आपको गांजा की स्मेल आ रही है और आपने उसको सूचित कर दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ इस ट्रेन में हूँ और इस तरीके का मुझे दिखा है या स्मेल आई है जी। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तस्करी को रोकने का इसी तरह अगर आपको बड़े बड़े बैगों में लोग जैसे कैश की तस्करी होती है वो भी समझ में आ जाती है कि कोई इस तरीके का व्यवहार कर रहा है जी। बहुत सारे मजदूर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनका एक्सप्लाइटेशन के लिए लोग उनको ले जाते हैं उसके बारे में भी आप ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस तरीके की कोई यहाँ पर संभावना बनी हुई है जी। तो इस तरीके की जो भी बात है अगर आप उसको सूचित करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा काम है इंटेलिजेंस का वो पूरा होता है जी इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं हम इंटेलिजेंस में यही पता करने में व्यस्त रहते हैं कि किस ट्रेन में या किस प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार के लोग मौजूद हैं इसी तरह हमारे देश में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें क्या होता है वो आईडी का इस्तेमाल करते हैं जो एक एक्सप्लोसिव है तो वो क्या करते हैं कि किसी अटैची में रख दिया या किसी इस तरीके के सामान में रख दिया और कहीं पर छोड़ दिया जी जो हम लोगों को बॉम्बे में घटना मिली कि जिसमें लोकल ट्रेनों में लोगों ने अटैची के नीच बीर के नीचे अटैची रख दी और उतर गए और बाद में उसमें एक्सप्लोज़न हो गया तो उससे हमें क्या संदेश मिला कि हमारे आसपास कोई इस तरीके के लावारी सामान तो रख कर कोई उतर तो नहीं गया तो ये चीज़ों के लिए अगर हम अपने आप को मेंटली अलर्ट रखें तो हमारी अपनी भी सुरक्षा होती है और इस देश की जो संपत्ति है उसकी भी सुरक्षा होती है तो ये एक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान होगा अगर हम जब भी यात्रा करें अपने आप को अलर्ट रखें कि आसपास हमारे क्या हो रहा है अपने सामानों की सुरक्षा के लिए भी हम चेन और लॉक ले जाना ना भूलें जी। आजकल हर बर्थ के नीचे हम हमारी वो कड़ियाँ बनी हुई हैं उसमें आप बर्थ के नीचे सामान रखें और उन कड़ियों से अपने सामान को चेन से बांध करके सुरक्षित कर दें जी। होता क्या है कि अपराधी के पास अपराध करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है वो रिजर्व कोच में चलेगा वो देखेगा कि कौन से पैसेंजर का सामान इस तरीके से पड़ा हुआ है जिसको वो आसानी से उठा सकता है अच्छा तो अगर आपने अपने सामान को सुरक्षित करके रखा है तो वो दो बार सोचेगा कि मैं इसमें कितना एफर्ट करूँगा ये अपराधी जो होता है उसको क्विकली अप, अपना अपराध करना होता है जैसे कि वो तुरंत वहाँ से निकल जाए तो जी? उसको हम मौका ना दें अपने सामान को कुछ छोटे छोटे उपाय करके सुरक्षित करके तो हमारे सामान की सुरक्षा होगी अपराधों में कमी होगी जी हमारी और अच्छी मतलब यात्रा सुखद यात्रा बीतेगी जी जी Uh, इस पे मेरा एक ही प्रश्न ये आता है जैसे आप बोल रहे थे कि तस्करी हो रही है लोगों की गांजे की कैश की uh, अगर एज आ नागरिक मैं ये बताना भी चाहूँ पुलिस को अ थर्टी नाइन कॉल कर लूँ ऐप पे डालूँ ज़्यादातर uh, लोग हालांकि सरकार भी इस पे काफ़ी कैंपेन्स रन कर रही है कि कहीं मैं ना फंस जाऊँ या फिर uh, यू you नो know, मुझे मुझे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हालांकि ये ये सोच एक तरह से अपने आप में गलत है बट एक एक मैंटेलिटी हो जाती है तो आप इसमें लोगों को क्या कहना चाहेंगे हालांकि आज की डेट में बहुत चेंजेस हुए हैं ना पुलिस लोगों को परेशान करती है इनफैक्ट वो इनक्रेज करती है कि आप आइए हमारे साथ इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन शेयर करिए बट इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि घबराइए मत हम यहाँ पे आपकी ही मदद के लिए हैं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इसमें जो आ, हमारे न्यायालय ने और पुलिस ने मिलकर के काफ़ी इन्फॉर्मेंट को हम कैसे अपने प्रोसेस में ना इन्वॉल्व करें इसकी पूरी कार्रवाई की जाती है अच्छा आप जब आ, कोई सूचना देते हैं और आपकी सूचना के ऊपर हम कार्रवाई कर लेते हैं जी। तो आपके न्यायालय में उपस्थिति का कोई अनिवार्यता नहीं है अगर अच्छा। आप कहेंगे कि आ, मुझे एग्जाम किया जाए तो आपकी एग्जम्शन हो जाएगी जी। और जो हमारे दूसरे साक्ष्य हैं जो अपराधी से मिले हैं जी। चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हों चाहे हमारे सीजर विटनेसेस हों फिर वो बाद में कोर्ट में अपनी बात रखते हैं जिससे अच्छा। कि हमारे एविडेंसेस की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं तो ये एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा कंफर्ट uh, है इन्फॉर्मेंट के लिए कि मुझे कोर्ट नहीं uh, जाना पड़ेगा इट्स इट्स देयर चॉइस ऑफ कोर्स बट ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा यू नो इनिशिएटिव है जस्ट टू इनकेज कि लोग आगे आए और इन्फॉर्मेशन दें एक और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि कोई अपना लावारिस सामान रख के अगर चला जाता है और uh, हम हम ध्यान नहीं देते इस इस बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे बिकॉज सिक्योरिटी जो जो राजा राम जी बोल रहे हैं ये घटना होने के बाद का एक्शन है घटना किस तरह से प्रिवेंट करी जा सकती है इस इस बारे में हमने हमने अभी सुना राजा राम जी से वो बता रहे थे कि कोई अगर लावारिस सामान रख कर चला जाता है छोड़ कर चला जाता है ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग के प्रति कनेक्टेड रहें अंडरस्टैंड करें कि हम कहाँ बैठे हैं किस माहौल में हम ट्रैवल कर रहे हैं ना कि हम अपने फ़ोन में बिजी रहें तो इस मामले में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम सिक्योरिटी को कभी भी अपने जो हम अपने कामों की समय की जो प्लानिंग करते हैं उसमें उसको स्थान नहीं देते हैं जी अगर हम सिक्योरिटी को थोड़ा सा समय दें और ये एक प्रोटोकॉल बना लें कि हम अगर घर से निकलेंगे तो हम अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के बारे में अलर्ट रहेंगे ये अगर हम अपने माइंड को अलर्ट कर सकते हैं तो हमको किस सिचुएशन में किस प्रकार के चीज़ों को देखना है ये माइंड हमारा हमें बताता है जी अब जैसे आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम ट्रेन में आतंकवादियों को आईडी एक्सप्लोजन से कैसे रोकें तो आप जहां बैठे हैं ट्रेन में आप जो दूसरे सामान रखे हुए हैं आप एक बार अपने सहयात्रियों से इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि ये सामान आपका है ये सामान आपका है ये सामान आपका है अच्छा अगर हम एक दूसरे से सिर्फ इतना ही पूछ लें कि जितने भी सामान हमारे बर्थ के नीचे रखे हुए हैं जी वो कोई ना कोई उसका ओनर बैठा है हमारे साथ जी। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक बहुत बड़े मुसीबत से बच निकलेंगे और ये जो मुसीबतें हैं ये होती बहुत ही रेयर हैं जी लेकिन जब होती हैं तो ऐसा विनाश करती हैं जिसका फिर कभी भरपाई नहीं हो पाती है तो सिक्योरिटी जो है वो रोज़ का और हर मिनट का सब्जेक्ट नहीं है ये ऐसा है कि जब होगी तो आपको ऐसे नुकसान से परिचय कराएगी जिसकी भरपाई होती नहीं है तो देखे हम देखे। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो हम छोटे छोटे सिक्योरिटी संबंधित बातों को जाने और जा। उनको करते रहें उसमें हमें डिसिप्लिन रखनी चाहिए उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ अगर 10 साल से 20 साल से 25 साल से कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे कभी कुछ नहीं होगा तो ये सुरक्षा जो होती है वो आ, मतलब कभी आकस्मिक ही होती है बिल्कुल लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब होती है तो आदमी बहुत पछताता है छोटी सी बात लीजिए अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपने नहीं देखा कि मेरे आज आजू बाजू कौन से वाहन आ रहे जा रहे हैं जी। और एक्सीडेंट हो गया तो आप सोचिए कि आपका हाथ पैर टूट गया अब आपको चाहे वो इलाज फ्री में मिले चाहे आपको उसके कई लाख मिल जाएं लेकिन आपके जो शरीर टूटा उसकी जो कीमत है ना वो मतलब उसकी एक्चुअली स... कोई कीमत होती नहीं है आदमी जो अपना जीवन जीता है जी। वो अपने सबसे पहले अपने शरीर के अंगों को सुरक्षित देखना चाहता है तो ये जो शरीर के अंग सुरक्षित रहते हैं उसके बाद से वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा देखना चाहता है जी। अब जैसे हमारी ट्रेन में जो महिलाएं सफर करती हैं वो क्या करती हैं कि अपना सारा कपड़े लत्ते का सामान तो अटैची में डाल करके बर्थ के नीचे रख देती हैं लेकिन जो उनके सबसे प्रिय सामान होता है गोल्ड वो एक छोटे से पर्स में अपने तकिए के नीचे रख लेती हैं अच्छा अब अपराधी को ये पता है कि अगर तकिए के नीचे इन्होंने कोई सामान रखा है तो ये सबसे महत्वपूर्ण सामान होगा सबसे कीमती होगा तो फिर वो धीरे से वही निकालने का काम करता है तो आप अच्छा। अगर सामान्य तरीके से यात्रा करें अपने सारे सामानों को सामान्य तरीके से रखें उसको अपराधी को कोई एक इंडिकेशन ना दें कि आप कोई महत्वपूर्ण सामान कहीं अलग रख रहे हैं फिर आप सो गए निश्चिंत होकर के तो इस तरीके के आ, अपने व्यवहार से आप बचेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी अब एक बार सामान चोरी हो जाता है लोगों के दस दस बीस बीस लाख के गहने चोरी हो जाते हैं जो कि आप सोचिए सभी की कितनी अटैचमेंट होती है वैल्यू जी, के अलावा जी। किसी की शादी का मंगलसूत्र होता है किसी का क्या होता है तो वो पैसे से उसका रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, बिल्कुल तो सुरक्षा ऐसी चीज़ ही है कि ये जब तक नहीं होती है तो लगता है लोगों को कि कोई समस्या नहीं है लेकिन जब हो जाती है तो आदमी को जिंदगी भर पछतावा रहता है कि अरे ये मैंने क्या छोटी सी सावधानी नहीं की तो आज मुझे इतना बड़ा, Unfortunately, नुकसान हम इतना बड़ा। हमारी सिक्योरिटी को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं हाँ। और हमें लगता है कि सिक्योरिटी शायद हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये बहुत ही छोटा सा एक वो होता है कि घर से जब निकले तो चेन और ताला लेके निकले जब बैठो ट्रेन में तो कड़ी लगा दो कड़ी में वो चेन लगा दो एंड ये बहुत ही ब्रिलियंट सजेशन दिया है राजा राम जी ने जो शायद मैं भी अगली बार फॉलो करूंगी जब मैं ट्रेन में जाऊंगी uh, इसी बात पे हम बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कहीं मत जाइएगा आप सबका स्वागत है दूरदर्शन यादगिरी के चमेली प्रोग्राम की इस प्रस्तुति में ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे राजा राम जी से जो कि प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है साउथ सेंट्रल रेलवे के वह हमसे बात कर रहे थे अबाउट सिक्योरिटी जो वो प्रोवाइड करती है जो इनकी एजेंसीज प्रोवाइड करती है लाखों करोड़ों उन पैसेंजर्स के लिए जो कि डेली यात्रा करते हैं हमारी रेलवेज की इस वाइड नेटवर्क में थैंक यू आप इतनी अच्छी टिप्स हमें दे रहे थे हमें ये भी बताइए कि ये तो हो गई दुर्घटना के बाद की जो जांच है जो आप पैसेंजर्स uh, की जो सिक्योरिटी है उनकी जो रिड्रेसल ग्रीवियंस रिड्रेसल जैसे बोलते हैं uh, जद्दोजहद और मेहनत करते हैं uh, हम इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें एज अ पैसेंजर जब हम ट्रेन में बैठे हैं हमारे आसपास अगर तस्करी हो रही है या गांजा की यू नो तस्करी हमें दिख रही है तो हम एज अ पैसेंजर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार के अपराधी लोग होते हैं वो कई बार ऐसा करते हैं कि अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं दूसरा ये है कि वो लोगों से बातचीत करने में बसते हैं अच्छा और थोड़ा सा आगे पीछे ट्रेन कोच में चलते रहते हैं अच्छा। तो ऐसे लोगों को और फिर ज़्यादातर इनके बर्थ भी आरक्षित नहीं होते हैं तो इस तरीके के लोगों को अगर आप वॉच कर रहे हैं देख रहे हैं तो आप एक सिंपल उनका एक फ़ोटो खींच लीजिए आजकल हमारे पास जो मोबाइल है ये हमारा बहुत ही अच्छा टूल है तो इससे हम एक फोटो खींच करके और हम रेल ऐप पर डाल करके और छोटी सी सूचना दे सकते हैं कि अच्छा। इस तरीके का हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा है तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा दूसरा ये है कि जो रेलवे के सामान चोरी करने वाले अपराधी होते हैं वो नॉर्मली अपना कोई ज़्यादा सामान लेकर नहीं चलते एक पिट्ठू उनके पीठ पे रहता है अच्छा और वो ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं जैसे वो कोई स्टूडेंट है लेकिन आप जब देखें स्टूडेंट का मूवमेंट होगा तो एक ग्रुप में होगा जी स्टूडेंट नॉर्मली अकेले नहीं चलते हैं तो ये जो स्टूडेंट टाइप के लोग अगर आपको दिखें जो छोटा सा पिट्ठू लेकर के आपको ट्रेन में यात्रा करते नज़र आएँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा। वो उनके आपको बर्थ भी रिजर्व नहीं मिलेगी और नॉर्मली वो आपको स्पोर्ट्स शू पहने हुए मिलेंगे अच्छा। तो जैसे कि उनको कोई अगर चेस करे तो वो तुरंत भाग, भाग भी जाए तो ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं बाकी तो एक ज़रूरी बात ये भी है कि मोबाइल की चोरी हमारे रेलवे यानी ट्रेनों में बहुत ज़्यादा हो रही है उसका कारण क्या है कि आ, लोग निश्चिंत होकर के अपने मोबाइल को चार्जिंग पॉइंट पर लगा देते हैं उसके बाद से फिर आ, किसी न किसी वजह से उठकर चले जाते हैं कोई टॉयलेट के लिए चले जाते हैं या किसी दोस्त के साथ बातचीत करने चले जाते हैं जी। तो ये जो अनअटेंडेड मोबाइल होते हैं वो अपराधी को निकालना बहुत ही आसान होता है हमारे यहाँ जो चोरियों की एनालिसिस हो रही है उसमें सोचिए सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो केसेज हैं वो मोबाइल से संबंधित हैं अच्छा तो उसमें हमें सावधानी रखनी है एक हमें बहुत ज़रूरी सा, सावधानी रखनी है कि हम अपने गंतव्य स्टेशन पर जब उतरने वाले हों तो हम गेट पर जाके ना खड़े हो जाएं। एक ये भी देखा गया है कि लोग गेट पर जाके खड़े होकर के मोबाइल में बात करना चालू कर देते हैं जी तो उसमें क्या होता है कि अपराधी ऐसे लोगों को नीचे खड़ा होकर के यार्ड में इंतज़ार करता रहता है वो एक छोटी चो, सी छड़ी अपने पास रखता है उनके हाथ पे छड़ी मारता है उनका मोबाइल गिर जाता है और लेकर के भाग जाता है इसमें हम लोग के साथ दुखद समाचार ये मिलता है कि वो जिसका मोबाइल छीना चीन, जाता है वो यात्री ट्रेन से चलती ट्रेन से उतर करके उनके पीछे भागने की कोशिश करता है हमारी विनती है कि ये कभी ना करें चलती ट्रेन से कभी ना उतरें मोबाइल की जो वैल्यू है जो महत्ता है वो तो हम मानते हैं कि है लेकिन आपके जीवन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो अपने जीवन को एक मोबाइल के लिए या किसी भी अपराध होने पर अपराधी के पीछे जाने के लिए खतरे में मत डालिए आप विश्वास रखिए हमारे देश की एजेंसीज आपके सामान को खोज निकालेंगी अपराधी को खोज निकालेंगी जी। लेकिन आपके अंग भंग को हम वापस नहीं कर पाएंगे तो इसको हमेशा याद रखें जी। कि अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को बताना है और जैसा मैंने पहले कहा कि अब सूचना देना आपके लिए मिनटों का खेल है हम लोग आपको सेवन मिनट्स के अंदर अटेंड कर रहे हैं तो अब आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है कि मैं अब किस सिचुएसन पर उतरूँगा तो एफ आई तो किससे मिलूँगा अभी आप समझिए कि सरकार आपके दरवाजे पर खड़ी है आपके पास खड़ी है तो अब आप जो नए सिस्टम्स हैं उनको याद रखिए और उनको अपनाइए उनके अंदर फेत रखिए और किसी भी कीमत पर अपनी जान को आ, रिस्क पर मत एज अ पैसेंजर ये एज अ सिटीजन ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है जब आप ये बोल रहे हैं कि एक छोटी सी वस्तु के लिए आप अपनी जान को खतरे में मत डालिए हम हैं ना हम आपकी सुरक्षा के लिए है जैसे आप बोल रहे थे सेवा ही कर्तव्य तो uh, ये सुन के बहुत कंफर्टिंग लगता है एक चीज़ ये भी uh, जो प्रोटेक्शन फोर्सेस हैं रेलवेज की उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हम बहुत इंसिडेंट्स आजकल देख चुके हैं सीसीटीवी के फुटेजेस भी सर्कुलेट होते हैं सोशल मीडिया पे जब लोग चलती गाड़ी से उतरने या चढ़ने की कोशिश जब करते हैं तो उसमें काफी लोगों को ट्रैक पे आने से खींच लिया आरपीएफ हाँ। के ऑफिशियल्स ने और ऑफिसर्स ने तो ये भी अपने आप में बहुत ही एक कमेंडेबल uh, चीज़ है कि कितने में मेंटली अलर्ट हैं और ये देख रहे हैं पूरा टाइम कि कोई पैसेंजर के साथ कोई दुर्घटना ना घटे तो इसके इस बारे में भी आप हमारे ऑडियंस uh, से क्या कहना चाहेंगे यही हमारे देश के नागरिकों को समझना है कि जैसे आप हवाई जहाज पकड़ने जाते हो तो अगर आप एक घंटा पहले वहाँ नहीं पहुँचते हो True. तो आपको चढ़ने से मना कर दिया जाता है आपका यही अलर्टनेस ट्रेन में भी यात्रा करने के लिए चाहिए जी। आप ट्रेन का जो भी डिपार्चर टाइम है उससे आप आधा घंटा पहले स्टेशन पर पहुँच जाएँ और आजकल आपकी सुविधा के लिए ट्रेनों में इंडिकेशन बोर्ड लगे हुए हैं आपको पता है कि अगर मेरी एस वन में बर्थ है तो एस वन कोच कहाँ खड़ा होगा जी। आप वहाँ पर पहुँच के ट्रेन का इंतज़ार करें उतरने वाले यात्रियों को पहले उतरने दें और फिर जब यात्री जब उतर जाएँ तो आप फिर अपने आ, ट्रेन में अपने कोच में प्रवेश करें और ये जो आदत हमारी पड़ी हुई है कि हमको प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के बात करनी है जो भी हमें छोड़ने आता है या हमको लगता है कि इस कोच में तो हम लंबे समय तक ट्रेवल करेंगे ही तो पहले प्लेटफॉर्म पर हम मतलब एक अच्छी हवा ले लें ले ले या धूप ले लें ले, या जिस प्रकार का भी आपका फील हो कृपया इस माइंड को छोड़ दें ट्रेनों के ऑपरेशन्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है जी पुराने ज़माने की जब स्टीम इंजन की ट्रेनें होती थी तो वो बड़े स्लोली प्लेटफॉर्म से निकलती थी उसके बाद से फिर हमारी डीजल इंजन से जो ऑपरेशन हुए उससे भी थोड़ी गति बढ़ी हमारे ट्रेनों को प्लेटफॉर्म छोड़ने की लेकिन जब से इलेक्ट्रिक ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन्स लग गई हैं तो हमारे ट्रेनों की पिकअप बहुत फास्ट हो गई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप पहले से ही अगर कोच में जाके बैठ जाएंगे अपने सीट पर जी। तो आप इस हादसे से बच सकते हैं चलती ट्रेन से चढ़ने के जी। और अगर आप समय से स्टेशन पर पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तो आपको ये हादसे से सामना नहीं करना पड़ेगा अभी आ, हम लोगों ने देखा है कि लोग जो हैं वो किसी को सामान देने के लिए किसी का जैसे मान लीजिए आप चढ़ना चाहते हैं लेट आए या ट्रेन कम रुकी जी तो फिर आप सामान नहीं चढ़ा पाए या परिवार को नहीं चढ़ा पाए तो आप उस समय चुपचाप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए दूसरी ट्रेन का इंतजार करिए ना कि आप उसी ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करके फिर वही जो मैंने कहा कि अपने शरीर के अंगों को ध्यान रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको कभी भी रिस्क पर मत डालिए लेकिन क्योंकि कोई भी अमाउंट पैसे का हो या किसी भी चीज़ का हो इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा तो इसको ध्यान में रखें डिस्कशन के दौरान आप ये भी बता रहे थे कि Uh, ये जो विमेन और बच्चों की जो तस्करी होती है इसमें uh, कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल लॉरियट है उनके साथ आपने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इसके बारे में हमें बताइए बिकॉज ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन तस्करी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट uh, एक uh, जो यू नो साइकोलॉजिकल भी जो जर्नी होती है बच्चों की और महिलाओं की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है तो ये टॉपिक जितना इम्पॉर्टेंट है उतना सेंसिटिव भी है इस इस पूरे सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया है ये किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है आपको तो मालूम है कि मानो के समाज में जितने भी जघन्य अपराध हैं उसमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसका एक्सप्लाइटेशन करना उन जघन्य अपराधों में एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है जी। इसको मतलब किसी भी हालत में हमें रोकना चाहिए लोग गरीब हैं या उनकी कोई भी मजबूरियां हैं तो उसका फ़ायदा उठा करके लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं जी इसको सबको समाज में मिलकर रोकना चाहिए तो जैसा कि हमें पता है कि माननीय कैलाश सत्यार्थी जी ने अपना बचपन बचाओ आंदोलन कई दशकों से चालू रखा है जी और उनकी जो आ, संस्था है उन्होंने बहुत सारे ट्रेंड लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया है अच्छा तो रेल मंत्रालय ने उनके इस कैपेबिलिटी को पहचाना जी और अप्रैल 2022 में हमारे माननीय डीजी साहब ने संजय चंद्र साहब ने उनके साथ एक एमओयू साइन किया ओके कि आपकी टीम और हमारी रेलवे सुरक्षा बल की टीम मिल कर के इस अपराध में कैसे इसको रोका जाए इसमें पूरी तरीके से मिलकर काम करेगी अच्छा अच्छी बात क्या है कि आरपीएफ के साथ पूरे इंडिया में रीच है जी जैसे पुलिस के साथ क्या एक लिमिटेशन है कि वो एक राज्य तक ही अपने काम को कर पाती है तो आरपीएफ डीजी के साथ सबसे बड़ा लिवरेज क्या है कि ये ट्रेन में पूरे देश में अपराध जहाँ पर भी हो रहा हो अपने फोर्स को भेज करके उस अपराध को रोक सकते हैं या पकड़ सकते हैं अच्छा। तो इस लिवरेज को हम लोगों ने उनके साथ साझा किया और ए ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ साइन करी अप्रैल 22 में अब हम लोगों ने क्या किया है कि हर आरपीएफ थाने पर एक आहट नाम की तीन चार स्टाफ की एक टीम बनाई है अच्छा उनको कैलाश सत्यार्थी जी की जो बचपन बजाओ आंदोलन की जो संस्था है उनको अच्छे से ट्रेन करी है कि हम इन लोगों को यानी जो ट्रैफिक लोग हैं इनको कैसे पहचाने देखिए जो ट्रैफिकर है वो बहुत ही स्मार्ट है वो क्या करता है कि जिसको ट्रैफिक करता है उसको उसका पूरा ब्रेन वॉश कर देता है उसको पूरी तरह इस तरीके से कॉन्फिडेंस में ले जाता है कि उसको खुद ही नहीं पता चलता कि मैं ट्रैफिक ढूँ जिसके वो उसको आराम से पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाता है अपने देश के जिन राज्यों में गरीबी है जहाँ पर खाने पीने की समस्या है जी, एजुकेशन जी। की समस्या है तो ट्रैफिकर वहाँ जा कर के उनको उन जगहों पर ले जाने की कार्य करता है जहाँ पर उसको इन समस्याओं से छुटकारा मिले जी। तो उनको बताता तो अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन जब उनको गंतव्य पहुँचाता है तो उनको जो प्रॉमिस किया रहता है उसमें से उसके कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों को हम कैसे पहचाने जी ये बचपन बचाओ आंदोलन का एक्सपर्टाइज़ है अच्छा दूसरी बात क्या है कि जैसे आर की यूनिट पूरे देश में हैं ऐसे बचपन बचाओ आंदोलन की यूनिट भी पूरे देश में है तो इससे क्या हो गया कि वो हमें इनपुट देते हैं कि किस गांव से किस स्टेशन से इन बच्चों की ट्रैफिकिंग हो सकती है जी तो हम क्योंकि गवर्नमेंट की, की एजेंसीज हैं तो हमें पूछताछ का अधिकार है जी, हमें पकड़ने का अधिकार है तो हम उनकी सूचनाओं के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई करते हैं उन लोगों से पूछताछ करते हैं फिर अगर पता चल जाता है कि ये ट्रैफिक्ड हैं तो उनको रेस्क्यू करते हैं जी, जी, और फिर जी, हमारे पास बहुत सारे रिहेबलीटेशन के गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो जैसे जगह जगह पे एनजीओ सरकार ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं इसके साथ सी डब्ल्यू सी है फिर शेल्टर होम्स हैं तो इन सब के साथ मिल कर के हम ऐसे ट्रैफिक लोगों को रेस्क्यू करके उनका जीवन आगे के बर्बादी से बचाते हैं तो ये एक हमारे समाज के लिए बड़ा काम आर पी एफ कर रही है जी इट्स अमेजिंग सर कि जो ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है इसके इसके कॉम्बिनेशन में जो आप काम करके आ, हमारी यात्रा को और भी सिक्योर बना रहे हैं यात्रा के साथ साथ आप लोगों की जान की भी यू नो सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं ऐसा कोई पैटर्न एज अ पैसेंजर आप हमें बता सकते हैं जैसे आपने बताया कि जो स्टूडेंट है पोटला लेके स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ये हमें सतर्क रखेगा सिमिलरली अगर जैसे गांजे की स्मेल आ रही है तो वो भी हमें एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है अगर तस्करी का मामला है जिसमें बच्चे हैं औरतें हैं क्योंकि वे वे खुद ही नहीं जानती कि वो ट्रैफिक हाँ, हो रही है जैसा आप बता रहे थे तो इसमें हम कैसे ध्यान रखें एक एक कोई छोटा सा टिप या पैटर्न अगर आप हमारे साथ शेयर करें नहीं ठीक है जैसे ये बच्चे नॉर्मली इनकी रिजर्वेशन नहीं होगी अगर हम पैसेंजर हैं तो हम जैसे बच्चों को देखें ग्रुप में देखें वो ज़्यादातर वो क्या होता है जहाँ दरवाजे होते हैं वहाँ पर बैठ कर ट्रेवल करते हैं तो हम यात्री हैं तो हमने जा कर के उनसे पूछ लिया बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो तुम्हारे साथ कौन है जी। तो पता चलेगा कि जो ट्रैफिकर है उनके साथ ट्रेवल नहीं करता वो कहीं और जाके बैठ जाता है जैसे कि वो सीन से बाहर रहे अच्छा तो हमने जैसे ही ये सूचना इकट्ठी की पता चला कि ये बच्चा जो है इसके माँ बाप नहीं है और ये किसी के कहने से ट्रेवल कर रहा है जी। तो हमें इसकी सूचना देनी चाहिए होता क्या है कि बच्चा भी बड़े कॉन्फिडेंटली कहता है कि नहीं साहब मुझे तो कोई अच्छे जगह पे ले आया जा रहा है जहाँ पर मेरा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है जी। जैसे उसको कहा जाता है कि हम तुमको बहुत अच्छे एजुकेशन में ले जाएंगे या तुम्हारा जो भी घर पे खाने पीने की समस्या है वहाँ पर नहीं होगी तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तुमको बड़ा आदमी बनाएंगे तो अगर जैसे वो ये बात करता है जी। हमको एक जिम्मेवार नागरिक का रोल निभाना चाहिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन है हमने उसकी एक तस्वीर खींची और हमने उसकी शेयर करी और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये पूरा लाइनअप है कि हम आपको तुरंत का तुरंत रिस्पांस कर, कर सकते हैं रेलवे के बहुत सारे कर्मचारी हमारे ट्रेन पर मौजूद रहते हैं हम उनका साथ ले सकते हैं अगर आरपीएफ पी पार्टी है जीआरपी आर पार्टी है जिसकी सूची हमारे कंट्रोल में 24 घंटे रहती है उनको भी हम बोल सकते हैं कि अमुक जगह जाओ और देखो कि क्या हो रहा है अपराध के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसी सूचनाएँ है आती हैं कि जैसे यात्री जब गंतव्य स्टेशन पर पहुँचना होता है तो सारा लगेज लेकर के डोर पर चला जाता है जी और क्या होता है कि उस पूरे माहौल में एक भीड़ सी जमा हो जाती है Correct. तो उसमें अपराधी क्या करता है कि धीरे से आपके बैग की जिप खोल करके उसमें से सामान निकाल लेता है तो सबसे पहले आप ये करें कि आप विश्वास रखें कि जितना ट्रेन का टाइम वहाँ पे रुकने का है आप आराम से ट्रेन को रुकने दें और अपना सामान ट्रेन के रुकने के बाद ही वहाँ पर जाकर के दरवाजे पर ले जाएं और वहाँ से उतर जाएं। जी। इस बात की आपको जो रहती है जल्दी कि अगर मैं ट्रेन दरवाजे पर पहले नहीं पहुँचा तो शायद मैं उतर नहीं पाऊंगा ऐसा नहीं होगा जी। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास पर्याप्त समय है आप अपना सामान अपने सीट पर रेडी रखें जैसे ट्रेन रुके आप अपना सामान उठाएं और दरवाजे पर जा के उतर जाएं। किसी भी अपराधी को ये मौका ना दें कि आपके उस कन्फ्यूजन का फायदा उठा करके और आपका सामान चोरी कर ले कॉन्वर्जेशन के दौरान आपने इतनी अमूल्य जो छोटी छोटी बातें कही हैं ये शायद हम कहीं ना कहीं जानते तो थे बट शायद इससे इतना हम जागरूक नहीं थे या हमें पता नहीं था कि इतनी छोटी सी हमारी लापरवाही की वजह से इशू हो जाएगा तो आ, फाइनली जाने से पहले सिंस हम हमें प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा आ, आप पूरे हमारी जो आज की जनता हमारी ये है क्योंकि इतनी बड़ी इशू है इतना बड़ा जो सिक्योरिटी आप हैंडल करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे बहुत ही बड़ा जोन है आ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि आ, किस तरह से अपनी सराउंडिंग्स को लेकर आप जागरूक रहें सिक्योरिटी को ना कभी ग्रांटेड ले इस तरह का आप कोई फाइनल मैसेज अच्छा हमारी ऑडियंस को आ, देना चाहेंगे सर कुछ बातें मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ एक तो यह है कि जैसे समय पर आप 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 अगर पर पहुंच जाते 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 हैं 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 तो ट्रेन के बैठ बैठ इससे क्या होता है कि हमारे ट्रेन ऑपरेशन में जो प् अनावश्यक अदरवाइज विलम्ब होता है वो बच सकता है जी एलार्म चेन पुलिंग आपके जान और माल की सुरक्षा के लिए बनाई गई है लेकिन ये इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप स्टेशन पर देर से पहुँचें और आप ट्रेन गोच के अंदर ना जा पाएँ और एलार्म चेन पुल करके आप कहें कि साहब मैं चढ़ नहीं पाया और मेरे बच्चे नहीं चढ़ पाए या मेरा सामान नहीं चढ़ पाया इसको याद रखें कि ये दंडनीय अपराध है जी। आप एलार्म चेन पुलिंग का इस्तेमाल बहुत ही विषम परिस्थितियों में कर सकते हैं जैसे अगर ट्रेन में आग लग गई या कोई ट्रेन से गिर गया इस तरीके की चीज़ों के लिए ही लामचेन पुलिंग बनी है दूसरा यह है कि जब आप प्लेटफार्म पर आएँ तो कभी भी ट्रैक क्रॉस करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफार्म पर ना जाएँ हमेशा जो आपको फोर्ट ओवर ब्रिज प्रोवाइड करी गई है उसी का इस्तेमाल करें और अब आपकी सुविधा के लिए स्कलेटर भी लगाए जा रहे हैं लिफ्ट भी लगाई जा रही है जी, तो कई लोग होता है कि सामान के साथ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका जीवन अमूल्य है उसको थोड़ी सी मेहनत से बचा लें थोड़ी अलर्टनेस से बचा लें ट्रैक जो ट्रैक क्रॉस करके ट्रेनों के अंदर आ जाते हैं उनका बहुत नुकसान होता है जी। उससे बचें इसके अलावा जो हमारे विलेज साइड के जो लोग हैं जी। उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज ट्रेनों की रफ्तार बढ़ रही है और ज़्यादा और बढ़ेगी तो जो पुरानी आपकी एक आदत थी कि आप अप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रैक को क्रॉस करके आराम से जाते थे उससे बचिए क्योंकि अब आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितनी तेज़ी से ट्रेन आएगी तो आप जो निर्धारित रास्ते हैं सरकार के उन्हीं रास्तों से जाएं क्योंकि वहाँ पर अगर आपको ट्रैक भी मिलेगा तो वहाँ पर आपको फाटक मिलेगा उस फाटक पर आप ट्रेन के जाने का इंतजार करें कभी भी बंद हुए फाटक के नीचे से अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल ले कर के या पैदल ना क्रॉस करें ये जो दो चार पाँच मिनट का सवाल है इसको सह लें क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ से बड़ी आपके जीवन में और कोई चीज़ नहीं है ये भी हमने देखा है कि लोगों को पेशेंस की कमी है उनके पास समय की कमी नहीं है ऐसा नहीं है कि आपने ट्रैक पास किया और पाँच मिनट बचा लिया आपने ट्रेन का इंतजार नहीं करके तो कहीं आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है उस पाँच मिनट के बाद तो इसको ना भूलें कि मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है महत्वपूर्ण चीज़ मेरे हाथ में क्या है मेरा जीवन है तो मुझे उस जीवन को कभी भी रिस्क पे नहीं लगाना बिना मतलब के एडवेंचर में नहीं शामिल होना अभी क्या है कि कई बच्चे जो हैं वो ट्रेनों में रील बनाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं जी। फिर मैं कहूँगा आपका जीवन इम्पॉर्टेंट है आप कोई आ, मतलब अगर आपको रील बनाने का शौक़ है तो आप स्टूडियो जाइए वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से जो इवेंट्स होती हैं उनमें आपने रील बनाई है लेकिन लाइव रिस्क लेकर के रील बनाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है एंड इसमें सबसे सैड पार्ट ये है कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आमतौर पे ये हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्स को ब्लेम करते हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारे साथ नहीं बट हमारी सिक्योरिटी हमारी ही जिम्मेदारी है आप कहाँ कहाँ तक कितने लोगों को किस लेवल तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपकी भी लिमिटेशंस और ये होती है कि हर इंसान को आप मॉनिटर नहीं कर सकते अल्टीमेटली सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है और ये बात हमें समझनी चाहिए एक चीज़ हमने और ऑब्ज़र्व करी है कि यहाँ पर लोगों की आदत है कि कोच में फुट पर बैठ करके ट्रैवल करना उनको लगता है कि बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है नज़ारे दिख रहे हैं ये बहुत ही रिस्की है फिर मैं ये कहूँगा कि ट्रेन की रफ्तार आज के दस साल पहले वाली नहीं है कि जब आप फुट ब्रॉज पर बैठ जाते थे और सुरक्षित आप गंतव्य पहुँच जाते थे अभी स्पीड तेजी से ट्रेनों की बढ़ रही है और आप समझ लीजिए कि जब तक भारत सरकार सभी ट्रेनों में डोर क्लोजिंग का प्रावधान ना करे आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रेन में बैठ गए डोर आपके लिए क्लोज्ड है आप कभी भी भूल करके भी अपने डब्बे के दरवाजे को ना खोलें और अगर जो खोल करके ट्रेवल करते हैं उनको आप रिक्वेस्ट करें कि आप अपना दरवाजा बंद करके अपनी जगह पर बैठ जाएँ क्योंकि ये जो फुटबोर्ड पर ट्रेवल करने वाले हैं इनकी मौतों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो वो हमें मौतें बचानी हैं जी अब आप खड़े नहीं होंगे ये आपका काम है इस बात को याद रखना दूसरा अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसकी भी हमें फोटो खींच के भेज दीजिए अच्छा हम उसको भी अगले स्टेशन पर समझाएंगे कि भाई ये देखो तुमने इस तरीके का जोखिम जो लिया ये अलाउ नहीं है ये रेलवे एक्ट में ये ऑफेंस है तो इस ऑफेंस को आप मत करें अदरवाइज आपको किसी प्रकार की भी सजा मिल सकती है जी एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा यात्रियों के लिए कि कभी भी अनऑथराइज लोगों के पास जा कर के अपनी टिकट ना लें आजकल आप देखेंगे कि शहरों में आपको कई सारे बोर्ड मिलेंगे कि यहाँ रेलवे की टिकट बनती है जी जब भी आप वहाँ जाएँ पहले ये उनसे पूछें कि आपको रेलवे डिपार्टमेंट से लाइसेंस मिला है कि आप टिकट बना रहे हैं अच्छा तो अगर उसका आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि साउथ सेंट्रल में ऐसे 1100 से ज़्यादा यात्रियों को हम लोगों ने यात्रा करने से वंचित किया जिन्होंने इस तरीके के अनऑथराइज लोगों से टिकट लिया तो आप लाइसेंस शुदा लोगों से ही टिकट लें नहीं तो आपकी टिकट जब्त हो जाएगी आपकी यात्रा रद्द हो जाएगी जो आदमी आपको टिकट बना के दे रहा है उसको तो हम गिरफ्तार करते ही हैं आपको हम गिरफ़्तार नहीं कर रहे हैं ये मान करके कि आप इनोसेंट हैं लेकिन ये भी आप समझें कि अगर आप इस तरीके की टिकट ले रहे हैं तो आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं बिल्कुल तो इसका ध्यान रखें बाकी हमारे साइबर सेल में हम आपके सुरक्षा के लिए नए आयाम में काम कर रहे हैं इस तरीके की जो लोग अपने कानूनी तरीके से आरक्षण की टिकटें बना रहे हैं उनको हम अपने साइबर सेल के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं जी हमने ऐसे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया 2022 में बाईस उनसे लाखों रुपए की टिकट हमने बरामद किए इसके अलावा हम साइबर सेल का इस्तेमाल जो सहयात्री हैं जो रिजर्व करा करके ट्रेनों में लोगों का सामान लेकर चोरी करके उतर जाते हैं उनके भी चिन्हित कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो लोग रिजर्व करा करके बच्चों को ले जा रहे हैं उनको भी हम साइबर सेल के माध्यम से चिन्हित करके उनकी भी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं हम आपसे सिर्फ इतना अपील करना चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षा के लिए माइंड को बता के रखें और अपने सूचनाओं को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जैसे कि आपकी भागीदारी अपराध को रोकने में हो जितने अपराधी कम होंगे आप उतने ज़्यादा सुरक्षित होंगे

उसके प्रति भी हम आ, हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम इन सिक्योरिटी एजेंसीज एजन्स, को अप्रोच कर सकते हैं जो 139 हेल्पलाइन नंबर राजा राम जी ने बताया आ, जो रेल मदद ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सब को एक कॉम्बिनेशन बनाकर हमारी जो यात्रा है हमारी जो जान है उसको हम सिक्योर रखें सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि दूरदर्शन के स्टूडियो में आज आप हमारे साथ जुड़े रेलवे से रिलेटेड सिक्योरिटी के जो इश्यूज के बारे में है जो आपने हमें छोटी छोटी टिप्स दी कि हम किस तरह से सेफ रहे एक पैटर्न हम जो ऑर्गेनाइज क्राइम का है उसे रिकगनाइज़ करें आपकी जो एजेंसी सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी के द्वारा जो काम कर रही है उसे हम रियली really अप्रिशिएट करते हैं सलाम करते हैं आपका बहुत शुक्रिया सर कि आज आप हमारे साथ आए स्टूडियो में इतना हमें टाइम दिया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमें जागरूक कराया थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद